अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं आपके लिए 10 महीने की एक छोटी बछड़ी लेकर आया हूँ, जर्सी ब्रीड की। देखें, नहायत खूबसूरत बछड़ी है। इसकी डिहार्निंग हम नहीं की, आप इसकी कमर को, इसके दुम को देखें, नहायत खूबसूरत बछड़ी है। ये काफ़ी शरारती बछड़ी है, वरना अमूमन हमारे फार्म पर जानवर जो हैं वो खुले फिरते हैं, लेकिन ये बहुत शरारती है। ये देखें, इसका हैवाना बड़े बड़े चार थन हैं वाइट कलर के, ये जर्सियों का असासा होते हैं। ये देखें, 10 महीने की अच्छी हाइट वाली बछड़ी है ये, और बहुत खूबसूरत बछड़ी है। ये देखें इसको, इसके कानों को भी हम दिखाते हैं, पानी पी रही है ये। नॉर्मली हमारे फार्म पर जो है जानवर खुले फिरते हैं, लेकिन ये काफ़ी शरारती है। ये देखें इसके कानों को, छोटा सा फेस है इसका। अपने 10 महीने के लिहाज से इसकी हाइट बहुत अच्छी है, और कलर भी इसका बहुत खूबसूरत है। जब ये शेडिंग करेगी तो इसका प्रिंट बहुत खूबसूरत बनेगा। अच्छी एज में, ये देखें इसको, सींग इसके हैं। अगर कोई शख्स कहेगा तो हम इसकी डिहार्निंग भी इसको कर देंगे। 10 महीने में दूसरी निकाल चले जस, इसकी एक अच्छी हाइट है ये। ये देखें इसके फेस को, बोल रही है ये। ये देखें, छोटा सा फेस है इसका। बहुत एक्टिव है ये माशाल्लाह, बड़ी बड़ी आँखों के साथ, और फेस शेड बहुत खूबसूरत है। ये देखें इसकी कमर को और इसकी दुम को देखिएगा। 10 महीने इसकी उम्र है, और अपने 10 महीने की उम्र के साथ ये कम से कम जो देखने में लगती है वो 13 महीने की बछड़ियों जितनी इसकी हाइट है। ये इसका हैवाना देखें, ये चार थन हैं इसके खूबसूरत वाइट कलर के थन हैं। हमारे फार्म पर हर वक्त जो है जर्सी और डच बछड़ियाँ अवेलेबल होती हैं। ये अच्छी प्योर ब्रीड की बछड़ी है। ये देखें इसके फेस शॉट के देखें, अभी इसके छोटे छोटे सींग हैं, हमने इसकी डिहार्निंग नहीं की है, बट अगर आप कहेंगे तो हम इसकी डिहार्निंग कर देंगे, वरना अगर आप लोकली इसको रिंग डालकर भी इसके सींग ख़त्म करना चाहें तो आराम से ख़त्म कर सकते हैं। ये देखें, एक अच्छे जिस्म के साथ है ये, हाइट भी अच्छी है, बिल्कुल स्ट्रेट कमर में है, उठी हुई दुम है इसकी। इधर से इनको अंदर ही, इनको अंदर कर, दूसरी निकाल ले चल ले जस। नहायत खूबसूरत बछड़ी, ये देखें छोटा सा फेस है इसका, बहुत एक्टिव बछड़ी है ये। ये हमारे फार्म पिशावर फार्म पर अवेलेबल है, आप खुद आकर भी देख सकते हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।